हाय गाइस, कैसे हो आप सब। सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बहुत से लोगों की शिकायतें होती हैं कि उनका आटा अच्छे से नहीं गूंथता है, चिपकता है या बहुत कुछ दिक्कतें होती है आटा गूंदने में। लेकिन ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आज मैं आपके साथ आटा गूंदने की प्रोसेस को शेयर कर रही हूँ। तो आटा गूंदने के लिए मैंने अपने परिवार के हिसाब से आटा ले लिया है। आप भी अपना जितने मेंबर हो उस हिसाब से आटा ले लें, उसमें नमक मिला लें और पानी गर्म लेना है। गर्म पानी से आटा अच्छा गूंथता है, इसलिए मैंने गर्म पानी ले लिया है। स्पेशली सर्दियों में तो हमेशा गर्म पानी का ही यूज़ करना है आटा गूंदने के लिए। गर्मियों में आप ठंडे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गर्म पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। हल्का हल्का पानी डालकर इसको गूंदते रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है, ज़्यादा पानी एकदम से ऐड ना करें, नहीं तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा अगर एकदम से ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके आटा लगा लेना है और सारे आटे को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद हम नीचे थोड़ा पानी लगाएंगे, हमारे जो बर्तन है उसमें नीचे पानी लगा लेंगे। फिर हाथ की मुट्ठी बंद करके इसको अच्छे से लोच लगा लेनी है, जिससे कि हमारा आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो अगर ये टाइट होगा उसमें भी ये पतला हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। रोटी बनाने के लिए लूज आटा लग जाएगा, जिससे रोटियां बिल्कुल अच्छी बनेंगी और फूली हुई बनेंगी। जितनी अच्छे से इस स्टेज पर आटे को रगड़ेंगे उतना ही अच्छा आटा लगेगा और उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। हाथ को पानी में डिप कर लेना है, गीला करके इसको फिर आटे पर लोच लगानी है, यानी अपने हाथों से प्रेशर लगाना है। जितने प्रेशर से आप ये काम करेंगे उतना ही अच्छा आटा गुनेगा और उतनी ही अच्छी रोटियां सिकेंगी। आटा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ये प्रोसेस है, अगर आप इन प्रोसेस को यूज़ नहीं करेंगे तो आटा अच्छा नहीं लगता है, जिससे रोटियां बनाने में दिक्कत आती है। ऐसे आटा लगाएंगे तो रोटी भी इजीली बन जाएगी। अब मैंने आटे पर अच्छे से लोच लगा ली है। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे और जो साइड में पानी लगा है या आटा लगा है कहीं भी थोड़ा बहुत, तो वो भी हटा लेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर बाद में कोई देखेगा, अगर आपकी मम्मी देखेगी वो भी खुश हो जाएगी कि वाह, इतने अच्छे से आटा लगाया है, बिल्कुल बर्तन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।